अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अमेजिंग ट्रिक एंड ट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में बहुत कॉमन यूज होती है और इसके बहुत से बेनिफिट भी हैं। जैसे कि अगर हमने कोई डुप्लीकेट वैल्यू को देखना हो या किसी यूनिक वैल्यू के बेस पे हमने किसी चीज को हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग नॉर्मली यूज करते हैं। उसके अलावा विजुअलाइजेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है कि हमने कोई चीज का डिफरेंस दिखाना हो, कोई एनालिसिस दिखाना हो, तो उसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो यहाँ सबसे पहले जो इसके मेजर यूज है मैं आपको वो बताऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो नॉर्मली हमारे रूटीन में यूज हो रहे होते हैं, उसमें सबसे पहले जो मेजर यूज है वो कि हमने डुप्लीकेट को अगर हाईलाइट करना है, हमने देखना होगा इस कॉलम में या किसी भी सिलेक्शन एरिया में कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं आ रही। तो जैसे कि नॉर्मली ये एम्प्लॉय कोड या नेम वगैरह पे होता है, अभी मैं इसमें देखता हूँ कि डेजिग्नेशन कौन से डुप्लीकेट हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ हाईलाइट पे आऊंगा, हाईलाइट में डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। तो ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो हाईलाइट हो गई। जैसे ये देखो, अगर मैंने सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू को फिल्टर करना हो तो उसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और फिल्टर पे जाके फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल कलर, तो ये मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो गई है, ठीक है। इसको मैं फिल्टर खत्म करके, जैसे एएसएम को उसने हाईलाइट किया तो मैं इस जस्ट एएसएम को देखूंगा। ये देखिए, ये 3 बार ASM आ रहा है। इसको अगर मैं ABC कर देता हूँ, AX AZ कर देता हूँ, ये देखिए इसकी जो हाईलाइट हुआ था इसकी वो हाईलाइट कलर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये अगेन इसको हाईलाइट कर देगा। तो ये हो गया इसका एक यूज। अगर मैंने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है, इसको खत्म करना है, तो यहाँ इसको मैं सिलेक्ट करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये क्लियरेंस फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। तो जो सिलेक्टेड सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी उसको खत्म करने के लिए यहाँ क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल में क्लिक करूंगा, तो ये जो मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ से खत्म हो गई है, ठीक है। अब उसके अलावा आप चाह रहे हैं कोई सैलरी बेस पे, ये सैलरी है, मैं चाह रहा हूँ कि जो 50,000 से अबव सैलरी है या 20,000 से या 25,000 से अबव सैलरी है उसको कैसे हाईलाइट करे, वो उस पूरी रो हाईलाइट कर दे। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने कोई भी लगानी है तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले उसकी सिलेक्शन करें, जिस एरिया में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाह रहे हैं उसकी सिलेक्शन करें। तो ये मैंने इसकी सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब ये मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, यहाँ मैं न्यू रूल्स पे जाऊंगा, ठीक है। न्यू रूल्स में जाकर यूज अ फार्मूला, तो इसको सबसे पहले इक्वल, कोई भी फार्मूला लगाना हो तो उसके आपको पता है उससे पहले हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, इक्वल। उसके अलावा मैं डॉलर साइन इस्तेमाल करूंगा, डॉलर। डॉलर से ये होगा कि जो भी मैंने कॉलम को लेना है वो उसको फ्रीज कर देगा। डॉलर साइन से कॉलम या कोई भी सेल फ्रीज करना हो तो उससे वो डॉलर साइन से हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डी लेना है, अब मैं डॉलर साइन लगा लिया। अब D2 को मैं बेस बना लेता हूँ कि D2 जो वैल्यू ना उसकी बेस है D2 ग्रेटर देन हो 25,000, तो यहाँ 25,000 लिखूंगा। उसके बाद मैंने फॉर्मेट पे आना है, फॉर्मेट में आप यहाँ से कोई भी कलर उसको दे सकते हैं, मैं येलो हाईलाइट करता हूँ। उसको बॉर्डर भी दे सकते हैं कि अगर वो वैल्यू हो तो उसमें बॉर्डर आ जाए। इसको फॉन्ट का साइज भी मैं बोल्ड कर देता हूँ कि वो जो फॉन्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ओके प्रेस करूंगा, तो ये देखें बाकी वैल्यू नॉर्मल है लेकिन जो 25,000 से अबव है वो यहाँ सब बोल्ड हो रही है, ठीक है। जैसे ये 23,000 है, इसको अगर मैं 27,000 कर देता हूँ तो ये भी हाईलाइट और बोल्ड हो गई पूरी लाइन, ठीक है। अब ये 70,000 है, इसको मैं 20,000 कर देता हूँ तो ये इसकी हाईलाइट जो है ना वो उसको खत्म कर देगा। तो ये हो गया दूसरा इस्तेमाल। अब इसकी मैं अगेन इसको खत्म कर देता हूँ, आप इसमें मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टिव सेट, ठीक है। उसके अलावा दूसरा इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर जाएं तो हाईलाइट सेल, वो इसमें कह रहा है कि अगर जो ग्रेटर देन है वो हाईलाइट हो जाए, तो इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन, अगर किसी एक चीज से ग्रेटर देन कहते हैं, जैसे मैंने पहले वो फॉर्मेट उसमें पूरी वो रो को हाईलाइट कर रहा था, अब मैंने किसी एक सेल को हाईलाइट करना है या किसी कॉलम को हाईलाइट करना है, इसमें लिखता हूँ ग्रेटर देन, जो वैल्यू 50,000 से अबव है वो सारी हाईलाइट हो गई है, ठीक है। अब आप यहाँ से अपनी मर्जी का इसको येलो फिल भी कर सकते हैं, ग्रीन फील्ड भी कर सकते हैं, ठीक है।
लाइट रेड फिल भी कर सकते हैं, और कस्टम में जाके इसकी अपनी मर्जी की फिलिंग भी कर सकते हैं, कोई फोन कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं इसके ये फिल कर दिया। तो जो हमने 50,000 की रेंज थी, अब इसमें अगर आपने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, अगर आपने देखना हो कि इसमें कौन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैनेज रूल पे जाएं, ये देखें इसमें लगा हुआ है सेल पे, ये ऑलरेडी लगी हुई है। मैंने जैसे पहले 50,000 की बेस लगाई थी, अब मैं इसको कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो एडिट रूल में जाके मैं 50,000 की जगह, सॉरी पहले 5 लाख था, अब मैं इसको, सॉरी 50,000 था, अब इसको मैंने 5,000 कर दिया। ठीक है, और इसका मैं कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब पहले 50,000 को हाईलाइट कर रहा था, 5,000 से जो भी इक्वल ग्रेटर देन 5,000 होंगे सब हाईलाइट हो जाएंगे। इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई, तो ये देखिए 5,000 से सब अभाव है, इसलिए उसने हाईलाइट कर दिए। जैसे मैं यहाँ 2,000 लिखता हूँ, ये देखो उसने उसको अनचेक कर दिया। 1,000 लिखता हूँ, ये देखें। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई भी रूलिंग चेंज करनी हो, तो यहाँ मैनेज रूल में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो फॉर अ टाइम बिंग मैं इसको रिमूव करता हूँ, जो हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ठीक है, उसके अलावा ग्रेटर देन लेस देन की भी सेम, जिस तरह हमने ग्रेटर देन का यूज किया था, उसी तरह हम लेस देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि ये देखिए इसको हाईलाइट लेस देन, मैं कहता हूँ कि जो 50,000 से कम है वो हाईलाइट हो जाए। तो ये मेरे पास 50,000 से कम हो गए, लेकिन मैं इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं लगा रहा, यहाँ लेस देन बिटवीन कर दो 50,000 ही। अब मैं कहता हूँ कि 50,000 और 1 लाख के दरमियान जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए, 50,000 और 1 लाख के दरमियान जो वैल्यू होगी वो हाईलाइट होगी। इसी तरह हाईलाइट इक्वल टू, कि अगर आपने कोई वैल्यू जो 50,000 के बराबर हो, या दो 20, मैं इसको कहता हूँ कि जो 20,000 के बराबर वैल्यू हो वो हाईलाइट हो जाए, ये होगी ये। ठीक है, अगर इसी तरह 25,000 अगर करता हूँ, तो 25,000 वाली वैल्यू हाईलाइट होगी। इसी तरह नेक्स्ट रूल है इसमें टेक्स्ट दैट कंटेन, कि अगर किसी, जैसे ये सारी सिलेक्शन की है, इसमें मैं कहता हूँ कि जहाँ ASM लिखा हो वो उसको हाईलाइट कर दे। ASM इस एरिया में आप जहां भी लिखेंगे, जैसे इसको मैं कंट्रोल आर करता हूँ, देखिए यहाँ ASM लिखा है, या इसको ASM मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये जिस सिलेक्शन में जहां भी ASM लिखा आएगा उसको हाईलाइट कर देगा, ये देखिए। ठीक है, इसको मैं सारे को सिलेक्ट करके क्लियर रूल फ्रॉम, तो अब दूसरा इसमें टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेट अक्योरिंग, मैं कहता हूँ कि इस डेट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आज की डेट, यह मैं लिख लेता हूँ आज की डेट, ये लिख लिया मैंने, तो इस पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ हाईलाइट डेट अक्योरिंग, जो टुमारो होगा, ठीक है, या इन द लास्ट 7 डेज, जो लास्ट 7 डेज होंगे उसके अकॉर्डिंग जो डेट है वो यहाँ हाईलाइट हो जाएगी, यानी कि प्रीवियस आधे दिन होगी, या अपकमिंग नेक्स्ट वीक के डेज इसमें हो जाएंगे। इसको मैं देखता हूँ, जैसे आज की 15 जुलाई है, यहाँ मैं 16/7/2023 लिखता हूँ, ये देखो हाईलाइट होगी। इसी तरह 19/7/2023, ये देखें, जो भी हमने डेट को अकॉर्डिंग लगाना होगा, यानी प्रीवियस इसमें कुछ ऑलरेडी डेटे हैं कि इसके अकॉर्डिंग आप कोई लगाना चाहें डेट का, तो वो लगा सकते हैं। देखें यस्टरडे, दिस मंथ, लास्ट मंथ, ठीक है, ये आपका हो गया डेट के रिगार्डिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है डुप्लीकेट वैल्यू, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा अगर आपने देखना कि टॉप 10 कौन सी चीजें हैं, या हमें सैलरी में देखते हैं कि टॉप 10 जो है वो कौन से हैं, टॉप 10 आइटम, तो ये 10 हाईएस्ट सैलरीज वाले लोग हैं, वो आपके पास हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर टॉप 10% ये देखना चाहें, बॉटम जो जिनकी सैलरी जो सबसे कम सैलरी वाले हैं 10 लोग, उनकी शो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट देखूं अबव एवरेज, बिलो एवरेज, तो वो
आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि ये डेट जो आपके पास सैलरी है इसको बार के जरिए एक शो करवाएं, तो उसके लिए डाटा बार जाएगी। ये देखें यहाँ से आप जो सैलरी हाईएस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी बार ज्यादा फिल हो जाएगी, और ये आप अपनी मर्जी के यहाँ से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। बार सिलेक्ट कर ली, ठीक है, ये जस्ट फिलिंग है। इसमें वो पूरा आपको शो भी करवा रहे साथ बॉर्डर आउटलाइन भी दे रहा है, ठीक है, ये फिलिंग कर ली। उसके अलावा इसमें अगर दूसरी इनिशियल फॉर्मेटिंग लगाना चाह रहे हैं, पहले हमने बार लगाई, उसके बाद अब ये कलर स्कीम है कि वो फिल भी हो जाए। ये देखिए पहले आ रही थी जस्ट बार आ रही है, ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग फिल भी कर दे इसको, यानी कि ज्यादा हाईलाइट हो जाए या उसे कम कलर, तो ये देखें अपनी मर्जी के यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं जिस तरह आपने डाटा प्रेजेंट करना। ठीक, मैं अगर यहाँ से पहली कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म करता हूँ, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, और इस पे अगर मैं ये कलर स्केल, तो ये देखें आपके जो उसके अकॉर्डिंग वो दिखा रहे हैं कम को या ज्यादा के अकॉर्डिंग, ग्रीन और रेड, अगर एक ही शेड देखना है या दो शेड देखने, मल्टी शेड देखना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप आइकॉन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ आपकी ये सैलरी ज्यादा हो रही है ये एवरेज में जा रही है, यहाँ ये एवरेज में है और ये ज्यादा हो रही है, ये कम हो रही है। अगर मैं कहीं भी चेंज करता हूँ जैसे यहाँ मैं, तो ये देखें इसको ये अभाव में चली गई है, और बाकी दूसरी जो है उसके राउंड बोर्ड या खुद ही इसको जो आपकी सिलेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग इसको एवरेज ग्रेटर देन और लेस देन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आप यहाँ से आइकॉन चेंज भी कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन में यहाँ से ये इस तरह के फिल्टर अपनी मर्जी के आप फिल्टर इसमें आइकॉन लगा सकते हैं। यहाँ से जो ज्यादा होगी वो ज्यादा सिग्नल आ रहे हैं, जो कम है उसके अकॉर्डिंग वो कम आ रहे हैं। अगर इसको मैं सॉर्ट करके देखता हूँ, ये देखिए मैं सॉर्ट कर सैलरी को मैं कर लेता हूँ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये देखिए यहाँ कम सिग्नल आ रहे हैं यहाँ ज्यादा सिग्नल है। तो इस तरह आप इसमें बार के आइकॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई लगाना हो इसमें ये देखें डायरेक्शन, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या अगर आपके जहन में कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो क्यूरी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स।